हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय दो जनगणना 2011। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक टारगेट दिया था कि उस वीडियो में यानी अध्याय एक वाले वीडियो में यदि व्यू और 800 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको इसका दूसरा यानी नेक्स्ट वीडियो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का प्रोवाइड कराऊंगा। तो उस टारगेट को आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, इसलिए आज आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस वीडियो में भी हम एक टारगेट रखते हैं, टारगेट वही सेम रहेगा, व्यू रहेगा आपका 7000 व्यूज और जो लाइक्स रहेंगे उसको 100 बढ़ा करके 900 लाइक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में ही फटाफट देखिए लाइक्स आप जल्दी जल्दी उस लाइक्स के जो टारगेट को आप कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए लाइक्स को इस बार 100 और बढ़ा दे रहा हूं। तो इस वीडियो में भी सेम 7000 व्यूज और आपके 900 लाइक्स आप कंप्लीट कर दीजिए, इसका थर्ड पार्ट यानी तीसरा चैप्टर का आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए आज का जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा जाने वाला है, जैसे देख रहे हैं काफी चीजें इसमें लिखी गई है, जो चीज समझा रहा हूं उसको पहले ध्यान से समझ लेना। जो इस बार जो अध्याय दो है वो दो पार्ट में आया है, एक है जनगणना 2011 के आंकड़े और दूसरा जो है जनगणना 2011 के ही आंकड़े हैं लेकिन वो आकांक्षी जिलों के आंकड़े हैं। एक पूरे 27 जिलों के आंकड़े हैं, एक जो पार्ट है उसमें छत्तीसगढ़ के पूरे 27 जिलों के आंकड़ों को कवर किया गया है और जो दूसरा पार्ट है उसमें आकांक्षी जिले छत्तीसगढ़ में जो आकांक्षी जिले हैं उस आकांक्षी जिलों के आंकड़ों को उसमें कवर किया गया है, ठीक है। तो हम इसमें केवल पार्ट वन कंप्लीट करेंगे और पार्ट टू आप कहाँ से करेंगे, जो पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे का जो वीडियो सीरीज चला था उसमें सेकंड वीडियो में जाकर के उसे पढ़िएगा, ठीक है। पिछले साल केवल आकांक्षी जिलों के आंकड़े ही पब्लिश किए गए थे इकोनॉमिक सर्वे में, तो सेकेंड पार्ट पढ़ने के लिए पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर टू को पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक, उसको छोड़ना नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही चीज़ जबरदस्ती के वीडियो लंबा बना बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में दे दूंगा, वहां से जाकर के भी आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन उस वीडियो को देखना जरूरी है, वो भी इस चैप्टर टू का पार्ट है, ठीक, उसके आंकड़े चेंज नहीं हुए हैं। दूसरा चीज, जनगणना 2011 जो जब हुआ था जनगणना आपके वर्ष 2011 में, तब छत्तीसगढ़ में 18 जिले थे, ठीक। वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ में 9 और जिलों का गठन किया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या हो गई 27। काफी लोगों के डाउट रहते हैं कि आंकड़े किसके याद करें, 2011 के जनगणना में केवल 18 जिले थे लेकिन अभी वर्तमान में 27 जिले थे, तो इस डाउट को दिमाग से हटा दीजिएगा, आपको छत्तीसगढ़ के 27 जिलों के आंकड़े आपको याद करने हैं। ग्रंथ अकेडमी की सारी बुक्स में और पिछले 2-3 सालों से जो छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे में छत्तीसगढ़ के पूरे 27 जिलों के आंकड़े पब्लिश किए जा रहे हैं, तो ये दो आंकड़े पढ़ने की जरूरत नहीं है या भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है कि 2018 जिलों के आंकड़े पढ़े कि 27 जिले के आंकड़े पढ़े, ठीक, आपको पूरे के पूरे 27 जिलों के आंकड़े पढ़ने हैं क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी 27 जिलों के आंकड़े दिए गए हैं और जबरदस्ती के 18 जिलों के आंकड़े को भी पढ़ लेते हैं, 27 जिलों के भी आंकड़ों को पढ़ लेते करके जबरदस्ती के कंटेंट को बढ़ाइएगा मत, ठीक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जनगणना 2011, इसमें मैंने अलग से मेंशन कर दिया है 27 जिलों के आधार पर, ठीक, जो वीडियो हम आज पढ़ रहे हैं इसमें छत्तीसगढ़ के 27 जिलों के आधार पर आंकड़े पढ़ रहे हैं। 28वां जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही का आपको इसमें डाटा नहीं मिलेगा, 27 जिले का ही पढ़िए, ठीक है। देखिए पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन इस जनगणना वाले टॉपिक से अक्सर ये क्वेश्चन बनते हैं। भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई, भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई या भारत में सबसे पहली जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई, तो याद रखिएगा भारत में जो पहली जनगणना है वो वर्ष 1800, ठीक, वर्ष 1872 में हुई और लॉर्ड मेयो के समय हुई, ठीक, लॉर्ड मेयो के समय वर्ष 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई। दूसरा प्रश्न पूछता है भारत में पहली या प्रथम दार्शनिक जनगणना कब हुई, दार्शनिक मतलब 10 वर्षों के अंतराल में, यदि आप देखेंगे तो हमारे जो इंडिया में जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार होती है। पिछला जनगणना आपका 2001 में हुआ था, इस बार का जनगणना आपका 2011 में हुआ, अब नेक्स्ट जनगणना आपका होने वाला है 2021 में उसकी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक, तो हर 10 वर्ष में होता है। तो ये 10 वर्ष वाला सिस्टम कब से स्टार्ट किया गया पूछा जाए या भारत में प्रथम दार्शनिक जनगणना कब से प्रारंभ की गई पूछा जाए, तो याद रखिएगा वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के समय भारत में दार्शनिक जनगणना प्रारंभ हुई और वर्ष 1881 से लेकर अभी 2011 तक कंटिन्यू दार्शनिक आधार पर जनगणना प्रस्तुत या जनगणना किया जा रहा है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
दोनों के वर्ष इंपॉर्टेंट है, वायसराय के नाम इंपॉर्टेंट है, पूरा याद रखना है। ये क्वेश्चन फंसता ही है पीएससी और व्यापम में। प्रथम जनगणना मेयो के समय 1872, प्रथम दार्शनिक जनगणना यानी 10 वर्षों के अंतराल वाला वर्ष 1881 लॉर्ड रिपन के समय। ठीक, नेक्स्ट, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? महाविभाजक वर्ष, ये भी प्रश्न आया है आपके पीएससी एग्जाम में, पीएससी 2016 आई थिंक। ठीक, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है पूछा जाए तो वर्ष 1921 को भारतीय जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। क्यों माना जाता है ये भी समझ लीजिएगा। वर्ष 1921 से पहले यानी 1881 से लेकर के वर्ष 1921 तक का समय जो जनगणना चली आ रही थी उसमें भारत की जो जनसंख्या में जो वृद्धि है, कभी बढ़ती थी जनसंख्या, कभी कम हो जाती थी। भारतीय जनगणना का वर्ष 1921 से पहले का ये इतिहास रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव यानी माइनस में भी गई है। ठीक, ऋणात्मक तक गई है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है बताएंगे आगे। ठीक, तो देखिए वर्ष 1921 से पहले भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर है कभी बढ़ जाती थी कभी घट जाती थी, लेकिन वर्ष 1920 का जो समय है वर्ष 1921 के बाद का जो आपका समय है उसमें भारत की जनसंख्या में हमेशा वृद्धि ही दर्ज की गई है। भारत की जनसंख्या कभी घटी नहीं, वर्ष 1921 के बाद से भारत की जनसंख्या कंटिन्यू बढ़ती ही गई। ठीक, तो इसलिए वर्ष 1921 का जो जनगणना रहा वो भारतीय जनगणना के इतिहास का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि वर्ष 1921 के बाद से हमारी भारत की जनसंख्या कंटिन्यू बढ़ती गई। आया हुआ प्रश्न है, इस डेट को याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जनगणना 2021 यानी जो नेक्स्ट ईयर आपके जनगणना के आंकड़े आने वाले हैं। ठीक, तो ये जो जनगणना 2021 है वो भारतीय जनगणना के क्रम में कौन से क्रमांक का है इसे थोड़ा समझिएगा। ये भारतीय जनगणना इतिहास में वर्ष 2021 का जो जनगणना है ये आपके 16वें नंबर की जनगणना है। भारतीय जनगणना इतिहास में ये 16वें नंबर की जनगणना है। देखिए 2011 वाला 15वीं जनगणना थी, 2021 वाला जो है आपका 16वीं जनगणना है। ठीक है, तो यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि अभी जो जनगणना के जो आंकड़े आए हैं वो कौन से क्रमांक के हैं तो ये 16वीं जनगणना रिपोर्ट होगी। ठीक, 16वीं जनगणना के आंकड़े होंगे। ठीक, इस जनगणना का एक थीम भी दिया गया है। थीम क्या दिया गया है? जन भागीदारी से जन कल्याण। ये जो अभी वर्तमान में जो जनगणना चल रही है, फिलहाल तो अभी कोरोना वायरस के कारण ठंडे बस्ते में चले गया, सारे कार्य रुक गए हैं, लेकिन इस जो जनगणना के लिए जो थीम डिसाइड किया गया है वो है आपके जन भागीदारी से जन कल्याण। ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट के टॉपिक में पूछा जा सकता है। ठीक, तो जो बेसिक क्वेश्चन बताया इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा टेबुलेशन फॉर्म में हम थोड़ा छत्तीसगढ़ के डाटा देखते हैं जनगणना वाले। ठीक, यहाँ पे क्रमांक दिया गया है, यहाँ जनगणना का कौन सा मुख्य बिंदु है वो दिया गया है, छत्तीसगढ़ में ओवरऑल क्या स्थिति है जनगणना की, और छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में जनगणना में के आधार पर कहाँ सर्वाधिक है कहाँ न्यूनतम है वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है आपका 2.55 करोड़ यानी 2.55 करोड़, 2,55,00,000 आबादी हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है। ठीक, ये बेसिक। नेक्स्ट, अब छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है और न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है आपके रायपुर जिले में। इस 2.55 करोड़ यानी 2,55,00,000 आबादी में से आपकी 21 लाख आबादी या 21 लाख लोग अकेले आपके रायपुर जिले में निवास करते हैं, और इस 21 लाख के आंकड़े के साथ रायपुर में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक, न्यूनतम निवास करते हैं आपके नारायणपुर जिले में। यदि हम एरिया वाइज देखें तो नारायणपुर काफी छोटा जिला है और दूसरा है दुर्गम क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र यानी जंगल वाला क्षेत्र है, इस कारण वहां पे काफी कम लोग निवास करते हैं। तो देखिए यहां पे ये जो आपके 2.55 करोड़ में से केवल 1.3 लाख यानी 1.3 लाख लोग केवल नारायणपुर जिले में निवास करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की आबादी 2.55 करोड़ यानी 2,55,00,000, जिसमें सर्वाधिक आबादी निवास करती है आपके रायपुर जिले
जिले में सबसे कम आबादी निवास करती है? आपके नारायणपुर जिले में। ठीक, दोनों आंकड़े याद रखने हैं। यदि हम टॉप थ्री डिस्ट्रिक्ट की बात करें यानी सर्वाधिक आबादी के आधार पर छत्तीसगढ़ के जिलों का क्रम यदि पूछा जाए तो पहले नंबर पर है रायपुर, दूसरे नंबर पर है बिलासपुर, तीसरे नंबर पर है दुर्ग। रायपुर में 21 लाख, बिलासपुर में 19 लाख और आपके दुर्ग में है आपके 17 लाख। ठीक, नेक्स्ट देखिए जनसंख्या वृद्धि। अब ये जनसंख्या वृद्धि होता क्या है समझिएगा। हमारे यहाँ जो जनगणना है वो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। पिछली जनगणना रिपोर्ट की तुलना में इस साल की जो जनगणना रिपोर्ट आई उसमें जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, यानी यदि हम 2011 के जनगणना की बात करें तो 2011 के जनगणना के कंपैरिजन में वर्ष 2001 की जो जनगणना के जो आंकड़े थे, यानी जो वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो रही तो 2011 के आते आते उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक, ये होता है आपका जनसंख्या वृद्धि। तो वर्ष 2001 के कंपैरिजन में वर्ष 2011 में छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो 22.61% इंक्रीज हुई, यानी 22.61% की वृद्धि दर्ज की गई छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में। तो जनसंख्या वृद्धि कितनी रही हमारे छत्तीसगढ़ की, 22.61% या 22.61% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। अब सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई और न्यूनतम वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई। तो छत्तीसगढ़ के आपके 27 जिलों में से सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई बलौदाबाजार में। बलौदाबाजार में लगभग 49% के आसपास, 49.87%। ठीक, 49% के आसपास आपकी वृद्धि दर्ज की गई जो कि छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में सर्वाधिक है। ठीक, कुछ पुराने डाटा में आपको कवर्धा या कबीरधाम जिला मिलेगा, वो नहीं लेना है, वो 18 जिलों के आधार पर है। 27 जिलों में जो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई वो है आपका बलौदाबाजार, लगभग 49%, और सबसे न्यूनतम या सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई वो है सुकमा, जहां पे 8.16% यानी 8.16% की मात्र वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, नेक्स्ट शहरीकरण। शहरीकरण मतलब कितनी आबादी शहरों में निवास करती है, छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में से कितनी प्रतिशत आबादी आपके शहरों में निवास करती है। जैसे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या या आबादी कितनी है, 2.55 करोड़, तो इसमें से कितनी प्रतिशत आबादी आपके शहरों में निवास करती है। ठीक है, तो देखिए इस 2.55 यानी 2,55,00,000 आबादी में से 23.24% आबादी आपके शहरों में निवास करती है। ठीक, अगर हम देखेंगे तो शहरीकरण में सर्वाधिक या सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो याद रखिएगा दुर्ग। इसमें कन्फ्यूजन होता है, रायपुर बिलासपुर दुर्ग तीनों देता है, तो हमारा सबसे पहले माइंड जाता है रायपुर में या फिर बिलासपुर में। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो हमारा दुर्ग जिला है इसका जो शहरीकरण परसेंटेज है ये है आपके 64%। ठीक, शहरीकरण का प्रतिशत कितना दुर्ग जिले का, 64% के आसपास है। ठीक, वैसे ही न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला कौन सा है तो ये है आपके बलरामपुर, जहाँ पे कुल आबादी की केवल 4% जो आपका एरिया है वो शहरीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक, ये तो हो गया आपकी शहरीकरण या शहरी आबादी। यदि आपसे इसका उल्टा पूछा जाए तो ग्रामीण आबादी कितना है पूछा जाए तो याद रखिएगा, देखिए सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ है, दुर्ग जिला में, लेकिन और न्यूनतम शहरीकरण कहाँ है, बलरामपुर जिले में। इसका उल्टा अगर आपसे ग्रामीण आबादी सर्वाधिक कहाँ है पूछा जाए तो वो हो जाएगा बलरामपुर, और सर्वाधिक ग्रामीण आबादी सॉरी सबसे कम ग्रामीण आबादी किस जिले में है पूछा जाए तो वो हो जाएगा दुर्ग। जबरदस्ती के आंकड़े एक्स्ट्रा बढ़ाने नहीं है, जो शहरीकरण आबादी मैक्सिमम है वही ग्रामीण आबादी में मिनिमम हो जाएगी। ठीक, और जो मिनिमम है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी किस जिले में निवास करती है पूछा जाए तो बलरामपुर जिले में, और न्यूनतम ग्रामीण आबादी किस जिले में निवास करती है पूछा जाए तो दुर्ग जिले में। ठीक, दोनों आंकड़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट कार्यबल भागीदारी प्रतिशत। कार्यबल भागीदारी प्रतिशत, अब ये कार्यबल भागीदारी प्रतिशत होता क्या है इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए कार्यबल भागीदारी प्रतिशत क्या होता है, देखिए इस जो कार्यबल भागीदारी प्रतिशत में आपके 15 से लेकर के 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। 15 से लेकर के 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को इस कार्यबल भागीदारी प्रतिशत में काउंट किया जाता है।
ये जो 15 से लेकर 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग रहते हैं इन्हें कहा जाता है आपका श्रमिक वर्ग, यानी जो काम कर सकते हैं, समझिएगा कर सकते हैं, श्रमिक वर्ग जो काम कर सकते हैं। और 0 से लेकर के 14 वर्ष और इधर 60 से लेकर के आपके जितना भी लीजिए 7500 वर्ष तक, इन लोग कहलाते हैं आश्रित वर्ग, जो काम नहीं कर सकते, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक, तो ये जो आपके जो आपका कार्यबल भागीदारी प्रतिशत है इसमें 15 से लेकर 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है जो किसी ना किसी कार्य में लगे हुए हैं या कार्य करने की इच्छा रखते हैं। दोनों शामिल है, किसी ना किसी कार्य में लगे हुए हैं या कार्य करने की इच्छा रखते हैं या कार्य करने में सक्षम है। ठीक, तो देखिए जो हमारा कार्यबल भागीदारी प्रतिशत है छत्तीसगढ़ का वो है आपके 47.68%, यानी छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 47.68% आबादी आपके कार्यबल भागीदारी के अंतर्गत आती है, यानी 47.68% लोग, 47.68% लोग किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं या कार्य करने की इच्छा रखते हैं। दोनों शामिल हो रहे हैं, भले वो बेरोजगार क्यों ना हो, ठीक, भले वो बेरोजगार क्यों ना हो, लेकिन यदि वो कार्य करने के लिए तैयार है, कार्य करने में सक्षम है, तो भी वो आपके कार्यबल भागीदारी के अंतर्गत आएगा। अब देखिए इसमें डाउट कैसे आता है ये समझिएगा। सर्वाधिक और न्यूनतम में हमारे माइंड में क्या आता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रोजगार आपको कहाँ मिलता है, या तो रायपुर में मिलेगा, दुर्ग में मिलेगा, बिलासपुर में मिलेगा। तो सर्वाधिक कार्यबल आबादी कहाँ पर निवास करती पूछा जाएगा, तो हम पहले क्या ढूंढते, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर। ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कार्यबल भागीदारी या कार्य की इच्छा रखने वाले व्यक्ति निवास करते हैं आपके जशपुर जिले में। ठीक, सर्वाधिक कार्यबल भागीदारी प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले की है, तो जशपुर जिले में। जशपुर जिले में लगभग 57% आबादी कार्यबल भागीदारी प्रतिशत के अंतर्गत आते हैं। ठीक, न्यूनतम है आपका दुर्ग जिला, देखिए जिसको हम मैक्सिमम सोच रहे थे वही मिनिमम है। दुर्ग जिला जहां पे कुल आबादी की 39% आबादी आपके कार्यबल भागीदारी के अंतर्गत आती है, यानी उस जिले में निवास करने वाले कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं या कार्य करने की इच्छा रखते हैं। देखिए कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, कृषि हो सकता है, उद्योग हो सकता है, सेवा क्षेत्र हो सकता है, तो वो सारे काउंट होते हैं आपके इसके अंतर्गत। ठीक, तो कार्यबल भागीदारी प्रतिशत किस में मैक्सिमम पूछा जाए तो जशपुर जिले में, मिनिमम किस में पूछा जाए तो वो है आपके दुर्ग जिले में। सबसे पहले जिलों के नाम याद रखने हैं, बाद में फिर आप ये जो परसेंटेज, ये जो आंकड़े हैं उनको बाद में याद करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम किस जिले में है उसको याद रखना है, सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनता है पहले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति से संबंधित जो आंकड़े हैं उसे थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक, एससी कैटेगरी या अनुसूचित जाति वर्ग। देखिए छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 32.74 लाख आबादी, छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का यानी 2,55,00,000 आबादी में से आपके 32.74 लाख यानी 32,74,000 जो है वो आपके अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं। ठीक, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के लोग हैं। ठीक, जो कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 12.82% 12.82% छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 12.82% आबादी आपके एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक ये साल भर होने वाले किसी ना किसी एग्जाम में एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी इससे क्वेश्चन आते ही है। ठीक, इनकी आबादी कितनी है, इनकी जनसंख्या कितनी है, 32.74 लाख यानी 32.74 लाख जो कि छत्तीसगढ़ के कुल आबादी का 12.82% आपके इस वर्ग यानी एससी वर्ग यानी अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, देखिए अब सबसे पहले आबादी के आधार पर देखा जाए यानी जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है आपके जांजगीर चांपा जिले में। जांजगीर चांपा जिले में लगभग 3.97 लाख यानी 3,97,000 जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, आंकड़े बाद में याद रखने हैं, पहले जिलों के नाम याद रखने हैं। ठीक, आंकड़ों को आप अप्रॉक्स यानी लगभग के फॉर्म में याद रखेंगे। जांजगीर चांपा में लगभग 3.97 लाख आबादी आपके अनुसूचित जाति वर्ग के निवास करते हैं। तो मैक्सिमम कहाँ निवास करते हैं पूछा जाए तो सर्वाधिक निवास करते हैं आपके जांजगीर चांपा जिले में। किसमें? जनसंख्या के आधार पर। ठीक, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक आबादी निवास करती है जांजगीर चांपा जिले में और सबसे कम आबादी निवास करती है आपके सुकमा जिले में।
ठीक, मात्र 2000 लोग वहाँ पे एससी कैटेगरी के लोग निवास करते हैं, यानी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग वहाँ पे निवास करते हैं। ठीक, प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए, परसेंटेज के आधार पर पूछा जाए, तो मैक्सिमम जो निवास करते हैं वो करते हैं मुंगेली जिले में। मुंगेली जिले की कुल आबादी की 27% आबादी आपकी एससी कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जबकि मिनिमम है आपका सुकमा, जहाँ पे मात्र 1% जो है वो एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं। ठीक, प्रतिशत मतलब कुल आबादी की कितनी प्रतिशत आबादी उस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो मुंगेली जिले के कुल आबादी का 27% आपके एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और सुकमा के कुल आबादी का मात्र 1% यानी मिनिमम, ठीक, वो आपके सुकमा जिले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी कैटेगरी। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का यानी 2,55,00,000 आबादी में से 78.22 लाख आबादी, ठीक, 78.22 लाख आबादी या 78,22,000 आबादी आपके एसटी कैटेगरी या अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत है। ठीक, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या कितनी है पूछा जाए तो 78.22 लाख। ठीक, देखिए जो कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का यानी 2.55 करोड़ में से छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 30.62% यानी 30.62% आबादी एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 30.62% आबादी एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। व्यापम में पूछा गया प्रश्न है, पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ये साल में होने वाले किसी न किसी एग्जाम में अगर जनगणना से आंकड़े पूछे जाते हैं तो ये एससी और एसटी कैटेगरी स्पेशली इनके परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या अगर हम बात करें तो इन 78.22 लाख में से सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो मैक्सिमम निवास करती है आपके जशपुर जिले में। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी निवास करती है जशपुर जिले में, लगभग 5.30 लाख। ठीक है, लगभग 5 लाख के आसपास, 5,30,000 के आसपास जो आबादी है वो जशपुर जिले में निवास करती है। तो सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है पूछा जाए तो वो है आपका जशपुर जिला, और मिनिमम किस जिले में निवास की करती है पूछा जाए तो वो है बेमेतरा जिला, लगभग 37,000। ठीक, नेक्स्ट परसेंटेज के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जो आपकी एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति निवास करती है आपके सुकमा जिले में, और सबसे कम निवास करती है आपके रायपुर जिले में। ठीक, सुकमा जिले की कुल आबादी का, सुकमा जिले की कुल आबादी का 83% यानी 83% आबादी आपके एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही रायपुर, रायपुर जहां पे मिनिमम एसटी कैटेगरी के लोग निवास करते हैं यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, का सबसे कम किस जिले में निवास करते हैं पूछा जाए तो वो है आपका रायपुर। रायपुर की कुल आबादी का मात्र 4% आबादी आपके एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं सुकमा का लेकर चलूँ, मान लीजिए सुकमा जिले में 100 लोग निवास करते हैं तो 100 में से 83 लोग केवल एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, बाकी बचे हुए 17 लोग कोई दूसरे कैटेगरी में हैं। ठीक, तो 100 में से 83 केवल एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ है, देखिए जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक है जशपुर, सबसे कम है आपका बेमेतरा। प्रतिशत के आधार पर है सर्वाधिक है सुकमा, और सबसे कम है आपका रायपुर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जनसंख्या के आधार पर पूछ रहा है कि प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है, इसमें इसमें ये सभी में ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज पूछ रहा है कि आपसे जनसंख्या या आबादी के आधार पर पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ से मैंने एक अलग पार्ट स्टार्ट किया है, क्रमांक वर्ग लिंगानुपात सर्वाधिक न्यूनतम। अभी हम यहाँ क्या डिस्कस करने वाले हैं, लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 लड़कों के तुलना में लड़कियों की संख्या, ये कहलाती है सेक्स रेशियो या लिंगानुपात, यानी 1000 लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक, 1000 लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों की संख्या कितनी है, ये कहलाता है आपके लिंगानुपात। ठीक है, देखिए तो
तो यहाँ पे चार कैटेगरी है, छत्तीसगढ़ की कितनी है, अनुसूचित जाति वर्ग की कितनी है, अनुसूचित जनजाति की कितनी है, और 0 से लेकर 6 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में ये लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कितना है। ठीक, छत्तीसगढ़ की यदि हम सकल लिंगानुपात की बात करें तो वो है 991। ठीक, यानी प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो वो है आपका 991, यानी 991। 1000 लड़कों के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ में 991 लड़कियां हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है पूछा जाए तो वो है आपके कोंडागांव जिला, और सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में पूछा जाए तो रायपुर जिले में। ठीक, देखिए कोंडागांव जिला का लिंगानुपात कितना है, 1033। ठीक, 1033, यानी प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1033। ठीक, 1000 लड़कों की तुलना में यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 1033, यानी यहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक है, लड़कों के कंपैरिजन में 33 लड़कियां यहां पे एक्स्ट्रा है। ठीक, यानी यहां पे लड़कियों का जो आपका बर्थ रेट है, जो जन्म दर है, वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, वैसे ही यदि हम बात करेंगे रायपुर में तो रायपुर में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या है 963। ठीक, सबसे कम। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक, SC कैटेगरी, जिसका लिंगानुपात है 994। ठीक, 994, 1000 लड़कों की तुलना में अनुसूचित जाति वर्ग का जो लिंगानुपात है वो है 994, जो कि सर्वाधिक है राजनांदगांव जिले में और सबसे कम है सुकमा जिले में। राजनांदगांव जिले का SC, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला ओवरऑल छत्तीसगढ़ का है, अब यहाँ पे स्पेशली एक कैटेगरी को ध्यान दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है पूछा जाए तो वो है राजनांदगांव, जिसका लिंगानुपात है 1035। उसके बाद सबसे न्यूनतम है सुकमा, जिसका लिंगानुपात है 932। ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसका लिंगानुपात है 1020। SC कैटेगरी का लिंगानुपात यदि हम देखेंगे तो 1000 लड़कों की तुलना में यहाँ पे लड़कियों की संख्या है 1020, यानी काफ़ी अच्छी स्थिति में है आपका ST कैटेगरी। ठीक है, यदि हम ST कैटेगरी में सर्वाधिक देखेंगे तो सर्वाधिक है आपका दंतेवाड़ा, जहाँ पे लिंगानुपात है 1067। ठीक, 1067, और सबसे कम है आपके रायपुर ज़िले में 974 या 974। ठीक, अब 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के देखेंगे, यानी जो नवजात शिशु जिन्हें कहा जाता है, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे रहते हैं उनमें यदि हम लिंगानुपात देखेंगे तो ओवरऑल छत्तीसगढ़ में इस 0 से लेकर 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात है 969। ठीक, 969, ठीक, 969। ठीक, इसमें यदि हम सर्वाधिक और न्यूनतम देखें तो दंतेवाड़ा में है सर्वाधिक, जहां पर 1012 लिंगानुपात है, जबकि सबसे कम है आपके रायगढ़ में। ठीक, रायगढ़ में 947। तो ये है लिंगानुपात। एक प्रश्न जो पूछता है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के 27 जिले, ठीक, छत्तीसगढ़ में 27 जिलों में कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ठीक, 1000 से अधिक लिंगानुपात का मतलब क्या है, वहाँ पे लड़कियों का जो बर्थ रेट है वो काफ़ी अच्छा है। तो छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में से कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है पूछा जाए तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में से 13 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ हम बात करेंगे साक्षरता दर। साक्षरता दर यानी कितनी पढ़ी लिखी आबादी है। ठीक, देखिए सबसे पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़ का जो साक्षरता दर है, जो लिटरेसी रेट है, ठीक, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, जो लिटरेसी रेट है वो है आपके 70.28%। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी यानी 2,55,00,000 आबादी में से 70.28% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी उन्हें साक्षर माना जाता है। उन्हें देखिए, छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 70.28%, कुछ बुक में 70.3, उसको राउंड फिगर करके 28 को 70.3 कर दिया है। एग्जैक्ट डाटा जो है, छत्तीसगढ़ का लिटरेसी रेट पूछा जाए या छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर पूछा जाए तो वो है आपका 70.28%। ठीक, यदि इसमें हम महिला और पुरुषों में साक्षरता दर पूछे देखे अगर हम, तो देखिए यहाँ लिखा है मैंने M, यहाँ लिखा है F। M मतलब मेल, मेल मतलब पुरुष, ठीक, और ये है फीमेल यानी महिला।
ठीक, देखिए तो ये तो ओवरऑल छत्तीसगढ़ का जो साक्षरता दर है वो है आपके 70.28%। लेकिन यदि छत्तीसगढ़ में कितनी प्रतिशत पुरुष साक्षर है और कितने प्रतिशत महिला साक्षर है पूछा जाए, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 80.27%, 80.27%। ठीक, और महिलाओं में साक्षरता दर कितना है पूछा जाए तो वो है आपका 60.24%, यानी 60.24%। ठीक है, इसको अलग से याद रखिएगा। अगर ओवरऑल छत्तीसगढ़ के 27 जिले में से सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है पूछा जाए तो वो है आपका दुर्ग। दुर्ग की कुल आबादी की 82% यानी 82% आबादी साक्षर है। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है पूछा जाए तो सुकमा। सुकमा की कुल आबादी की केवल 34% यानी 34% आबादी ही साक्षर है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है पूछा जाए तो दुर्ग। दुर्ग बिलासपुर रायपुर और आपका बेमेतरा ऐसे कुछ दे देगा, तो उसमें याद रखिएगा दुर्ग को आपको सर्वाधिक साक्षर जिला के उसमें लगाना है, क्वेश्चन में लगाना है। ठीक, और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है पूछा जाए तो वो है आपका सुकमा। नेक्स्ट देखिए एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी। एससी कैटेगरी मतलब अनुसूचित जाति वर्ग। अनुसूचित जाति वर्ग में साक्षरता प्रतिशत कितना है पूछा जाए तो 70.76%, 70.76% आबादी एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति वर्ग की साक्षर है। अनुसूचित जाति वर्ग की कुल आबादी का 70.76% आबादी आपकी साक्षर है। यदि हम जिलों के आधार पर देखें तो एससी कैटेगरी में सर्वाधिक साक्षर जिला है आपका बालोद, जहां पे कुल 79% एससी यानी अनुसूचित जाति वर्ग साक्षर है। और सबसे कम देखा जाए तो वो है सरगुजा, जहां पे केवल 56% ही साक्षर है। ठीक, नेक्स्ट है आपका एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग। अनुसूचित जनजाति वर्ग की कुल आबादी का 59.09% आबादी आपकी साक्षर है। ठीक, अनुसूचित जनजाति वर्ग की कुल आबादी का 59.09% आबादी साक्षर है। पूछा गया प्रश्न है, व्यापम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, इस परसेंटेज को याद रखिएगा। का कुछ कुछ बुक में अलग अलग दिया गया है, लेकिन ये जो इस साल जो इकोनॉमिक सर्वे की जो बुक आई है उसमें 59.09% लिटरेसी रेट या साक्षरता दर दिया गया, तो याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति वर्ग की कुल आबादी का 59.09% आबादी आपकी साक्षर है। ठीक, अगर हम इसमें सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है पूछा जाए अनुसूचित जनजाति में, तो अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक साक्षर जिला है आपका बालोद। बालोद में लगभग 77% एसटी कैटेगरी के लोग आपके साक्षर है। और सबसे कम पूछा जाए तो सुकमा। सुकमा में केवल 28% सुकमा जिले की कुल आबादी का आपका 28% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की साक्षर है। ठीक, तो जितने डाटा बताए वो सारे के सारे डाटा इंपॉर्टेंट है। दो डाटा आपको और बता रहा हूं, उसको अच्छे से समझिएगा। एक है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, ठीक, जनसंख्या घनत्व छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 189 आपका प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, 189 प्रति वर्ग किलोमीटर यानी एक किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, एक किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के एक किलोमीटर में या प्रति एक वर्ग किलोमीटर में। ठीक, देखिए यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं वो कहलाता है आपका जनसंख्या घनत्व। तो छत्तीसगढ़ में प्रति एक वर्ग किलोमीटर में या एक वर्ग किलोमीटर में 189 यानी 189, ठीक, 189 लोग निवास करते हैं। ठीक, अब देखिए 2001 की यदि हम बात करें, एक प्रश्न पूछा गया था, काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न था ये जो है, ये तो आपके 2011 के आंकड़े हैं। 2001 में ये था आपका 154, जनसंख्या घनत्व हमारे छत्तीसगढ़ का था 154। तो उसमें पूछा गया था कि वर्ष 2001 के कंपैरिजन में 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व में कितने की वृद्धि हुई पूछा गया था, तो आपको करना कुछ नहीं था, 189 में से 154 को माइनस कर देते तो आपको मिल जाता 35 की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का ओवरऑल जनसंख्या घनत्व डेंसिटी, ठीक, जनसंख्या घनत्व कितना है पूछा जाए तो 189 प्रति वर्ग किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ के प्रति वर्ग किलोमीटर किलोमीटर में 189 लोग निवास करते हैं। ठीक, अब देखिए जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक
कौन सा जिला है और सबसे कम कौन सा जिला है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है पूछा जाए, तो वो है आपके दुर्ग जिला। पहले या काफी पुराने बुक में आपको जांजगीर चांपा मिलेगा, लेकिन जांजगीर चांपा नहीं लेना है। 27 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका दुर्ग, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका नारायणपुर। अलग अलग बुक में दुर्ग के भी अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं। ग्रंथ एकेडमी की बुक में दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में प्रति वर्ग किलोमीटर पे 799 यानी 799 लोग निवास करते हैं, वैसे ही अलग अलग बुक में अलग अलग दिए गए हैं। नारायणपुर में प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 20 लोग निवास करते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है पूछा जाए तो दुर्ग जिले का, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का पूछा जाए तो आपका नारायणपुर जिले का। ठीक, इसके अलावा ग्राम पंचायत जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर हमारे प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, 10,971। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो है आपकी 10,971। ठीक, यहां लिख रहा हूं 10,971 ग्राम पंचायत है। ठीक, ग्राम पंचायत नीचे स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएगा। ठीक, ये जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर है, लेकिन इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में एक और आंकड़ा मेंशन किया गया है जिसमें दिया गया है पंचायत संचालनालय रिपोर्ट 2019-20। पंचायत संचालनालय रिपोर्ट 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर, यानी ये जो लास्ट वित्तीय वर्ष है 2019-20, पंचायत संचालनालय की रिपोर्ट के आधार पर हमारे प्रदेश में ग्राम पंचायतों की वर्तमान संख्या है आपका 11,664। 11,664 ग्राम पंचायत है पंचायत संचालनालय रिपोर्ट के आधार पर, वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में कितने ग्राम पंचायत मौजूद है पूछा जाए तो 11,664। ठीक, अब ये ध्यान देना है कि ग्राम पंचायत किस आधार पर पूछ रहा है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर पूछ रहा है या पंचायत संचालनालय रिपोर्ट 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर पूछ रहा है। ठीक है, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाएगा कि सर्वाधिक ग्राम पंचायत किस जिले में है, तो सर्वाधिक ग्राम पंचायत है आपके राजनांदगांव जिले में। क्यों? क्योंकि एरिया वाइज राजनांदगांव काफी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है वहां पर ग्राम पंचायत भी ज्यादा होंगे। और सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ है, तो वो है आपका नारायणपुर। ठीक, तो इतने सारे आंकड़े आपको याद रखने हैं, सारे के सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है। इसका एक पार्ट आपको और पढ़ना है आकांक्षी जिले वाला, जो कि पिछले बार के इकोनॉमिक सर्वे वाले वीडियो सीरीज में हमने कंप्लीट किया था। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से जाके आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक, वो आंकड़े आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और टारगेट को जरूर कंप्लीट कीजिएगा, 7,000 व्यूज और इस बार 900 लाइक्स वाले टारगेट को। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।